नमस्कार, अभी हम हैं परशुराम नगर मार्केट से थोड़ा सा आगे बलरामपुर वाले रोड पर, और इधर कोई बालपुर गांव पड़ता है। और गाइज, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है परशुराम नगर मार्केट का, उस वीडियो को देखना गाइज, और उस वीडियो को देखने के बाद में इस वीडियो को देखना, दोनों वीडियो देखना, तभी अच्छे से समझ में आएगा कि मतलब ये मामला क्या है। और भाई बालपुर गाँव में के जा रहे हैं, और अब हम बालपुर गांव का स्टोरी पूरा आपको अच्छे से समझाते हैं, उसके बाद में यहां से चलते हैं। गाइज, स्टोरी ये है कि हमारे एक दोस्त हैं सूरज भाई, जो महाराष्ट्र में पुलिस हैं और अभी वहीं पर रोड ड्यूटी में अपने लगे हुए हैं। तो उनको बालपुर गांव बहुत पसंद आता है, अब पता नहीं क्यों पसंद आता है गाइज। तो उन्होंने मतलब बहुत ख़ास करके रिक्वेस्ट किया मुझसे कि भाई बालपुर का सीन मुझे दिखा दो, मुझे देखना है। और उन्होंने ये बताया था कि बालपुर डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर में पड़ता है गाइज। तो फिर मैंने पता लगाया, तो बालपुर इधर को पड़ता है, मुझे पता लगा। तो गाइज आज मैंने निकल लिए कि चलो भाई अपने दोस्त को बालपुर गांव दिखा देते हैं। मतलब चाहे मेरा कोई दोस्त हो या मेरा सब्सक्राइबर हो, मैं कभी किसी का बात डालता नहीं हूँ गाइज। तो अगर हमारे दोस्त या मतलब जैसे मुझसे रिक्वेस्ट करें कि भाई यहाँ का वीडियो मुझे दिखाओ, तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा, और यही हमारा फर्ज बनता है। तो गाइज बस इसी कारण से मैं जा रहा हूँ बालपुर गांव, और मतलब सीन दिखाऊंगा आप लोगों को बालपुर। पहले चलते हैं बालपुर, पता करते हैं कि कौन सा गांव बालपुर है, फिर उसके बाद में आपको सीन दिखाते हैं। तो फिर गाइज अभी आप देख सकते हो कि परशुराम नगर मार्केट से 2 किलोमीटर आगे बढ़ने पर सबसे पहले आपको एक जंगल दिखेगा। ये ऐसा दिखेगा जंगल, ये सखुआ का जंगल है और इसका नाम है कोल्हुआ जंगल। तो फिर ऐसा दिखेगा, उसके बाद में हमें फिर और आगे इसी रास्ते पर बढ़ना है। इसी रास्ते पर 4 कदम आगे बढ़ने पर जंगल मतलब ऐसा दिखने लगता है, ये देखो कुछ इस तरह से दिखता है। और इस जंगल को मैं मतलब आप लोगों को ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि इस जंगल को मैंने सोचा है कि जब कभी टाइम मिलेगा तो अलग से एक वीडियो इस जंगल का बनाऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत सुंदर ये जंगल दिखा। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा बोर्ड दिखेगा हिरनपुरवा के नाम से, और यहाँ पर ये देखो स्कूल है कि क्या है, मतलब ऐसा बना हुआ है। और इधर से ऐसे जंगल दिखता है, और फिर इधर गांव वाँव ऐसे दिखता है। और अभी रुकना नहीं, इससे आगे और जाना है। फिर गाइस जंगल से थोड़ा सा बढ़ने पर अभी आपको सीन ऐसा दिखेगा, यहाँ पर थोड़ा सा सड़क मोड़ टाइप का दिखेगा, और ये सड़क इधर को गया है, मुझे इधर को जाना है, और इधर का सीन ऐसा दिखेगा, और यहाँ पर एक जंगल और दिख रहा है। और गाइस फिर पिछला जो जंगल मैंने आप लोगों को दिखाया था, उससे 1 किलोमीटर आगे आने पर एक जंगल और मिलता है, जो कि इस तरह से देखने में पड़ता है, और ऐसे मतलब सड़क गया हुआ है। और यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर घुमाओ सड़क मिल जाएगा, और इधर बगल साइड में अगर आप देखोगे तो खेती बाड़ी भी दिख जाएगी। तो इस तरह से घुमाओ सड़क पड़ता है जंगल के मतलब बाहर बाहर। और यहाँ मतलब बताते हैं जंगल के अंदर कोई मतलब माता जी का स्थान है। तो जब मैं फिर कभी आऊँगा और मौका निकालूंगा, तब मैं यहाँ का सीन दिखाऊंगा आप लोगों को, इस वीडियो में नहीं दिखा पाऊँगा। और उसके बाद में गाइज यहाँ पर भी आप देख सकते हो पुलिस वगैरह मतलब जो भी यहाँ पर लगाए गए हैं जंगल विभाग का पुलिस जो होते हैं उनको। तो ये देखो जंगल कुछ ऐसा दिखता है इधर से बगल साइड से। फिर देखो गाइस सीन, जंगल का सीन बहुत मस्त होता है गाइस, पर जब मैं कभी पर्सनली वीडियो बनाऊंगा जंगल का तो सारे सीन आपको अच्छे से दिखा दूंगा। वैसे मैं तो बहुत शॉर्टकट में दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। और यहाँ पर अभी छोटा सा तालाब बना हुआ है, यहाँ पर शायद मुहर्रम मेला जो होता है वो होता है यहाँ पर। और यहाँ पर एक छोटा मोटा मतलब ऐसे दुकान छप्पर में मिल जाएंगे देखने को। बालपुर के क्षेत्र में हम पहुँच चुके हैं, और यहाँ आने के बाद में पता चला कि बालपुर तो बहुत बड़ा निकला, मतलब ये कि बालपुर 12-14 गांव जो यहाँ के आसपास हैं सभी बालपुर में आते हैं। अब गाइज मैं कहाँ कहाँ का बालपुर आपको दिखाऊँ, तो अब इधर का सीन ऐसे मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं कि मतलब कौन से गांव का वीडियो बनाना था। तो मैं इधर का कुछ सीन आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। गाइज इधर का सीन देखो कुछ ऐसा दिखता है, और यहाँ पर सखुआ का जो मतलब जंगल लगा हुआ है ये देखो। और इधर और थोड़ा सा आगे जाने पर एक रेशम का फार्म इधर पड़ता है, जो शहतूत होता है ना उसका फार्म ये है,
दिख रहा है अभी। और उसके बाद में इधर खेती बाड़ी मिल जाएगी, और उसके बाद में इधर गांव जो पड़ता है गाइज, इधर इधर साइड में जो गांव पड़ता है ये भी बालपुर में आता है गाँव। और यहाँ पर एक मस्जिद भी दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, तो ये गांव भी बालपुर में आता है। उसके बाद में यहाँ से बगल से रास्ता गया हुआ है, यहाँ पर एक प्रधानमंत्री का बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ से बालपुर गांव को रास्ता गया हुआ है इधर। तो सीन ऐसा कुछ दिखता है इधर का। और अभी एक बालपुर और है, उसको भी दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। और गाइज फिर इस जगह को बालपुर चौकी कहते हैं। ये भी देखो यहाँ ऐसा बना हुआ है, जंगल में पुलिस रहते हैं। और उसके बाद में सामने मतलब एक छोटा सा यहाँ पर बोर्ड ऐसे सीमेंट का दिख जाएगा। उसके बाद में यहाँ से एक सड़क गया हुआ है, बताते हैं इधर भी बालपुर गांव पड़ता है, तो अभी आपको दिखाते हैं गाइज। अभी आप जो देख रहे हो ये गांव बालपुर चौकी है। ये देखो जो कि कुछ इस तरह से यहाँ का सीन दिखता है। और गाइज बालपुर बहुत बड़ा मतलब गांव पड़ जाता है। कोई बताता है 16 गांव का है, कोई बताता है 14 गांव का है बालपुर, तो मैं कहाँ कहाँ जाऊँगा गाइज। मैं समझता था कि बालपुर एक गांव होगा या दो गांव होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं सभी का मतलब वीडियो अच्छे से बना लूँगा। पर यहाँ आने के बाद में कोई बताता है 16 गाँव का बालपुर है, कोई बताता है 14 गाँव का बालपुर है, तो बस इसी कारण से गाइज मेरे समझ में कुछ आता नहीं है कि मैं कहाँ का सीन लूँ कहाँ का सीन ना लूँ। और तो बस जो भी सीन हमारे समझ में आया गाइज मैंने ले लिया है और इस वीडियो में आप लोगों को दिखा दिए हैं। तो गाइज उस सीन को देखना, और उसी सीन को देखने के बाद में गाइज मुझसे कोई शिकायत ना करना, क्योंकि मैं ज़्यादा समझ पा नहीं रहा हूँ इधर साइड में, तो और मतलब इस साइड में अनजान हूँ एकदम, यहाँ के बारे में मुझे कोई जानकारी भी नहीं है। और पर्सनली मुझे पता नहीं है कि मैं कौन से बालपुर का वीडियो बनाना था, बस केवल बालपुर सुनकर मैं चला आया था। तो मैं जानता था कि एक बालपुर होगा, दो बालपुर होगा, तीन बालपुर होगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा तीन बालपुर होगा तो मैं कंट्रोल कर लूँगा मतलब बना लूँगा वीडियो को। तो बस इसी कारण से यहाँ पर आने के बाद पता चला कि इतने बालपुर हैं कि मैं बिल्कुल कन्फ्यूज हो गया, कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। और फिर कभी जब मौका निकालूंगा तो आऊँगा यहाँ, मतलब एक रेशम का फार्म मुझे अच्छा सा दिखा जो जिसमें शहतूत बहुत सारे लगे थे, उसका सीन आप लोगों को दिखाऊंगा अच्छे से, जंगल का सीन अच्छे से दिखाऊंगा जब कभी मौका पाऊंगा इस क्षेत्र में आऊंगा। मतलब आऊंगा ज़रूर भाई, जब कह दिया है तो आऊंगा। और बहुत बड़ा जंगल है, बहुत बड़ा राउंड में, और तो इस सब चीज़ों को आप लोगों को दिखाऊंगा। मंदिर भी पड़ जाता है, उसको भी दिखा दूंगा। तो गाइस जब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा ज़रूर लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, और जिन भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और फिर इसी तरह से एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।